जै हिंद बंदे मातर स्वागत है भाई बहनों आप सभी का ऑनलाइन हेल्प यूट्यूब चैनल पर भाई बहनों यदि आपके पास पुराने सिक्के और नोट है तो यहाँ पर जो बायर है ये घर घर जाकर पैसे दे रहे हैं जैसा कि इनके पास बहुत सारे सिक्के और नोट थे तो इनको जो है पाँच लाख रुपए टोटल मिल चुके हैं तो अगर आप भी अपने सिक्के और नोट को सेल करना चाहते तो बायर का व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो में मिलेगा इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है बिल्कुल आपको हंड्रेड परसेंट वर्किंग व्हाट्सएप नंबर मिलेगा ऐसा नहीं कि बहुत सारी जो ऐसी वीडियो देखते हैं भाई बहनों आप यूट्यूब पर वहाँ पर शुरुआत में बोला जाता है कि आपको नंबर दूंगा ये दूंगा वो दूंगा लेकिन जब आप वीडियो पूरा देखते हैं उसके बाद आपको कोई नंबर नहीं दिया जाता है और बस आप उस वीडियो में घूमते रह जाते हैं और आपको बताया जाता है लास्ट में कि एप्लीकेशन डाउनलोड करो रजिस्टर करो तो इस तरह की वीडियो से आप सावधान रहें और अपने समय बर्बाद होने से बचाए जी हाँ भाई बहनों यहाँ पर अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीट देख लेते हैं तो आपके जो यहाँ पर सिक्के और नोट है वो डेफिनेटली सेल हो जाएगा तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट जरूर देखिएगा देखिए यहां पर कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो वीडियो को यहीं पर स्किप कर देंगे या डायरेक्ट लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर लेने के लिए चले जाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मुझे कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए किसी भी तरह से तो देखिए कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर लेने से काम नहीं चलेगा आपके पास जो जानकारी भी होनी चाहिए यानी जो जो चीजें मैंने वीडियो में बताया है आपको ये चीज़ें जानकारी आपके पास होना जरूरी है तभी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तभी आपके जो सिक्के या नोट जो भी है। वो आपका सेल होगा जब तक आप इस पर से सही जानकारी नहीं लेते हैं, तब तक आपके सिक्के सेल होने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं या नहीं के बराबर हो जाते हैं इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कम से कम इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए अगर आप लोग हमारी दूसरी वीडियोस को पूरा नहीं भी देखते थे तो भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि भाई बहनों ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी जो है यूज़फुल वीडियो है जिसमें कि आपको 100 परसेंट रियल नंबर दिए जाते हैं जिस पर आप कांटेक्ट करके अपने सिक्के और नोट को सेल कर सकते हैं ऐसा नहीं कि आपको बंद नंबर दे दिया जाएगा जिस पर आप कॉल करेंगे आपको नंबर बंद बताएगा या स्विच ऑफ बताते हैं कुछ पर कॉल लगता है तो कोई रिसीव नहीं करता है तो इस तरह की समस्या आपको इस नंबर पर देखने को नहीं मिलेगी तो भाई बहनों वीडियो में आपको नंबर कहीं पर भी दिया जा सकता है इसलिए वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा चलिए शुरू करते हैं वीडियो को तो भाई बहनों वीडियो में आगे बढ़े उसे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो और बेल आइकन पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ ही नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके पास कौन से पुराने नोट और सिक्के हैं जिसको आप सेल करना चाहते हैं जी हाँ है। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके पास कौन से नोट और सिक्के जिसको आप सेल करना चाहते हैं देखिए यहाँ पर भाई बहनों बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कमेंट नहीं करते उन्हें लगता है कि कमेंट करने से क्या फ़ायदा है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जिनको भी ऐसा लगता है कि कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है तो यहाँ पर जो एक डाटा के मुताबिक जितने भी लोगों ने नोट और सिक्के सेल किए हैं वो लगभग हर एक वीडियो पे कमेंट करते थे और अभी उन लोगों के नोट और सिक्के सेल नहीं हुए जो कभी भी किसी वीडियो पर कमेंट नहीं करते थे कुछ ऐसे लोग थे जो किसी किसी वीडियो पे कमेंट करते थे किसी वीडियो पे नहीं करते थे तो उनके भी सेल हुए हैं लेकिन ज़्यादातर उन लोगों के सेल हुए जो लगभग सभी वीडियो पे कमेंट करते थे तो इसलिए भाई बहनों आपको इस वीडियो पर भी कमेंट करना है और यहाँ पर बात करें कौन कौन से सिक्का है कौन कौन से नोट है जिसको आप सेल कर सकते हैं तो यहाँ पर दस रुपये वाले सिक्के हैं दो रुपये वाले सिक्के हैं उसके बाद पाँच रुपये वाले नोट हो गए उसके बाद इस तरह के नोट हो गए तो ये सभी आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से सिक्के और कौन कौन से नोट है जिसको आप सेल कर सकते हैं तो भाई बहनों इस लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पे सिक्का आता है वह है कमेटिव कॉइन जिसको स्मारक सिक्के कहे जाते हैं यानी कि जिस सिक्के की बैक साइड में अशोक स्तंभ की आकृति नहीं होती है किसी महापुरुष की या किसी के याद में जो सिक्के जारी किए जाते हैं वो कम्यूटेटिव कॉइंस कहलाते हैं तो यदि आपके पास कोई भी कम्यूटेटिव कॉइंस है चाहे वो पाँच रुपये वाले हो सकते हैं दस रुपये वाले एक दो रुपये वाले भी हो सकते हैं तो यहाँ पर ये राजेंद्र प्रसाद वाले सिक्के हैं आपको वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सिक्के जारी किए गए बाल गंगाधर तिलक के नाम पर जारी किए गए स्वामी विवेकानंद के नाम पर जारी किए गए तो अलग अलग महापुरुषों के नाम पर जो है महान आदमी जो थे हमारे देश के उनके नाम पर सिक्के जारी किए गए हैं तो यदि आपके पास इस तरह के कम्पटेटिव क्वाइंस हैं तो उसको आप सेल कर सकते हैं इसकी प्राइसिंग जो है वो आपको मिल जाएगी लगभग पाँच हज़ार रुपये से लेकर जो है यहाँ पर पाँच हज़ार से लेकर पचास हज़ार के बीच में इसकी प्राइसिंग आपको मिल जाएगी यहाँ पर ऐसा नहीं है बहुत सारे वीडियो है जहाँ पर लोग बोलते हैं कि इसकी कीमत आपको पाँच लाख दस लाख रुपए या पंद्रह लाख की स्कॉर्पियो आपको इस सिक्के के बदले मिल जाएगा तो ऐसा नहीं है अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको भी पता चल गया होगा कि भाई बहनों की सिक्के जो है वहाँ पर सेल एक्चुअली में नहीं होते वो लोग जो तरीका बता रहे वो गलत तरीका है उस तरीके से कभी भी आपके सिक्के सेल नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सही और कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो में आपको मिलेगा टाइमिंग भी आपको बताया जाएगा कि इतने टाइमिंग पे आपको कॉल करनी है कितने बजे से कितने बजे तक ताकि आपको नंबर स्विच ऑफ ना आए बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि सर आपने जो नंबर दिया है वो स्विच ऑफ़ आ रहा है तो क्या होता है देखिए जब टाइम ख़त्म हो जाता है तब जो है उस नंबर को स्विच ऑफ़ इसलिए कर दिया जाता है ताकि उसके आगे का जो प्रोसेस है जो काम किया जाता है जैसे कि फंडिंग वगैरह पैसे कैसे मैनेज होगा कौन सी के सेल होंगे तो उन सब के लिए उस मोबाइल पर बार बार कॉल आएगा तो अच्छी बात नहीं होती है इसीलिए नंबर को स्विच ऑफ कर लिया जाता है तो आपको टाइमिंग बताया जाएगा इसी वीडियो में वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे दस अलग अलग वीडियो देखते हैं जिससे कि आपको भाई बहनों कोई फायदा नहीं होता है लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो डेफिनेटली यहां पर आपको प्रॉफिट होने वाला है और आप अपने नोट और सिक्के को एक सही बायर को अच्छी कीमत पर सेल कर पाएंगे घर बैठे सेल हो जाएगा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है जैसा कि आप सभी को पता है लॉकडाउन का सिचुएसन चल रहा है जैसे में कि घरों से बाहर कोई भी नहीं निकल रहे हैं या बहुत ज़रूरी कामों से ही निकल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अगर घर बैठे सिक्के सेल होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वन की तो यहाँ पर भाई बहनों अगला जो नोट आता है पाँच रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट यदि आपके पास भी पाँच रुपये के इस तरह के ट्रैक्टर वाले नोट है उसको आप बेचना चाहते हैं तो आप बहुत ही जल्द उसको बेच पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो बायर का कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेगा स्पेशली ट्रैक्टर वाले नोट बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं तो आपके पास पाँच रुपये के इस तरह के नोट होते हैं मौजूद होते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है आप बीस से लेकर पचास हज़ार तक पा सकते हैं यदि आपके नोट रेयर है और अच्छी कंडीशन में है तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वन की तो यहाँ पर अगला जो नोट है वो है स्टार मार्क वाले नोट जी हाँ आप में से बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मेरे पास स्टार वाले सौ रुपये के नोट है स्टार वाले दो सौ के नोट है दस रुपये पाँच रुपये के स्टार वाले नोट है कैसे हम उसको सेल कर सकते हैं तो देखिए स्टार वाले नोट काफ़ी यूनिक होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नोट में एक दो स्टार वाले नोट ही मौजूद होते हैं जैसे कि देखिए दस रुपये के स्टार वाले नोट आपको देखने को मिला होगा और ऊपर का जो ये नोट है ये सौ रुपये का स्टार वाला नोट है तो यदि आपको स्टार वाले नोट सेल करने हैं तो इसकी प्राइस लगभग चालीस हज़ार रुपये तक मिल जाती है नोट की कंडीशन और नोट की डिनोमिनेशन पे भी डिपेंड करता है जैसे कि सौ रुपये के नोट है तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे पाँच सौ के हैं तो उससे ज़्यादा मिलेंगे दस रुपये के तो थोड़े कम पैसे मिलेंगे यानी कि डिनोमिनेशन पर भी डिपेंड करता है और नोट के सीरियल नंबर वगैरह भी किसी का ऐसा होता है कि किसी के नोट में स्टार का मार्क भी होता है सीरियल नंबर भी फैंसी होता है जैसे सात हो गए या ट्रिपल फाइव ट्रिपल टू वाले जो है सीरियल नंबर हो जाते हैं तो उसकी और भी ज़्यादा कीमत भाइयों बहनों आपको मिल जाएगी उसके बाद भाइयों बहनों बात करते हैं दो रुपए के कुछ ऐसे सिक्के की जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर है और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में चल रहे हैं दो रुपए के ऐसे सिक्के जिसमें कि आपको एक सिक्के तो आपको मिलेंगे नेशनल इंटीग्रेशन जिसको हम राष्ट्रीय एकता वाले सिक्के बोलते हैं दो रुपये के राष्ट्रीय एकता वाले कॉइन आपके पास मौजूद होते हैं तो वो भी आप सेल कर सकते हैं लेकिन दो रुपए के स्टेनलेस स्टील वाले ये देखिए लुई ब्रेल वाले सिक्के हैं उसके बाद ये देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज वाले सिक्के हैं ये दिल्ली के जो गेम्स हुए थे उसके कॉमनवेल्थ जो गेम हुए थे उसके जो है यहाँ पर सिक्के जारी किए गए यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से जारी किया गया सिक्का है फिर सुभाष चंद्र बोस वाले सिक्के यानी कि दो रुपये के अलग अलग रेयर सिक्के होते हैं जो कि आप में से कुछ लोगों के पास ज़रूर मौजूद होगा और आप लोग उसे सेल भी करना चाहते हैं कुछ लोग तो ऐसे जिन्होंने बताया कि मैं दो साल से वीडियोज़ देख रहा हूँ और मेरे अभी तक एक भी नोट और सिक्के सेल नहीं हुए हैं मैं मानता हूँ हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग भी हो जो दो साल से तीन साल से वीडियोज़ देख रहे हैं लेकिन उनके सिक्के सेल नहीं हुए इसका सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि देखिए जो भी बायर के कॉन्टेक्ट डिटेल्स हम आपसे शेयर करते हैं वो कुछ नोट और सिक्के खरीदने के बाद वो लोग जो है नोट और सिक्के की ख़रीदारी बंद कर देते फिर उस नोट और सिक्के को सेल करते हैं उसके बाद फिर से नोट और सिक्के खरीदते हैं तो इस तरह से प्रोसेस चलता है और कुछ लोग का नोट और सिक्के इसलिए भी सेल नहीं हो पाता है क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी वीडियो है जहाँ पर गलत बायर की जानकारी दी जाती है गलत तरीके से बताया जाता है कि इतना पैसा मिल जाएगा इतना पैसा मिल जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है इस वजह से भी कुछ लोगों के नोट और सिक्के सेल नहीं हो पाते हैं तो आप लोग के अगर अभी तक सेल नहीं हुए तो आप लोग कमेंट करके कर हमें ज़रूर बताइएगा कि मैं इतने दिनों से जो है नोट और सिक्के सेल करना चाहता हूँ ये नोट और सिक्के मेरे पास है जो कि अभी तक सेल नहीं हुए हैं तो बात करें दो रुपए के इस तरह के रेयर सिक्के की जो कि आपके पास अगर मौजूद होता है भाई बहनों तो इसकी प्राइस जो है आपको बीस हज़ार के अप्रोक्स मिलती है इससे कम मिलेगी बीस हज़ार से ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं जाती है फिलहाल के लिए तो आपके पास ये हो सकता है स्टेनलेस स्टील में हो या कॉपर निकल के भी सिक्के हो सकते हैं उसके बाद बात करते हैं अगले सिक्के जो कि है ब्रिटिश इंडिया टाइम के सिक्के किंग जॉर्ज वाले सिक्के होते हैं अलग अलग जो है ब्रिटिशर्स के टाइम के सिक्के जैसे ये देखिए वन रुपीज उन्नीस सौ बीस में जारी किया गया था यानी जब भारत पर अंग्रेज़ों का हुकूमत था तब जो जो सिक्के जारी किए गए थे या नोट जारी किए गए थे उसे हम ब्रिटिश इंडिया के क्वाइंस और नोट बोलते हैं तो यदि आपके पास भी ब्रिटिश इंडिया के समय के नोट और सिक्के हैं और आप उसको भाई बहनों सेल करना चाहते हैं तो उसको सेल कर सकते हैं क्योंकि सिक्के की डिमांड फॉरेन में भी ज़्यादा होती है यानी विदेशी कंपनी भी सिक्के को ख़रीद लेती है तो इसीलिए इंडियन कंपनी सिक्के को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खरीदती है ताकि वो डायरेक्ट जो है ऐसा होता है तो डायरेक्ट वो विदेशी कंपनी को ही ये सिक्के सेल कर देती है तो ये एक फ़ायदा होता है भारतीय कंपनी को ये सिक्के ख़रीदने में तो यदि आपके पास ब्रिटिश इंडिया टाइम के यानी भारत के आज़ाद होने से पहले के सिक्के चाहे वो वन पाइस के हो वन आना हो वन रुपीज़ हो जो भी सिक्के हैं वो आप सेल कर पाएंगे और इसकी कीमत बात की जाए तो इसकी कीमत जो है लगभग दस लाख रुपये तक जाती है जो सिक्का इसमें रेयर होता है उसकी कीमत दस लाख रुपये तक भी जाती है तो यदि आपके पास भी ब्रिटिश इंडिया समय के सिक्के हैं तो आप उसको सेल कर सकते हैं यहाँ पर आपको जो है एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया जा रहा है इस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है आगे मैं आपको टाइमिंग बताऊँगा पहले आप इस नंबर का स्क्रीन ले लीजिए या तो आप वीडियो रोक इस नंबर को नोट कर लीजिए उसके बाद यहाँ पर जो अगला सिक्का आता है वो है उन्नीस का एक रुपये की ये कॉपर निकेल वाला सिक्का जी हाँ भाई बहनों आप लोगों के पास यदि इस तरह के कॉपर निकेल वाले सिक्के हैं उन्नीस के जो कि एच मिंट मार्क के साथ आता है जैसे देखिए यहाँ पर एच मिंटमार्क यानी कि हेटन मिंट का सिक्का एक विदेशी मिंट है जो कि रेयर सिक्का है और आपको ये कीमत दिला सकता है बीस से पच्चीस हज़ार रुपये क्योंकि ये सिक्का उतना भी ज़्यादा रेयर नहीं है लेकिन इसमें एक ऐसा सिक्का जो कि सिर्फ जो है कॉपर मटेरियल से बनाया गया था वो सिक्का आपके पास यदि होता है तो वो आपको ढाई लाख रुपये तक दिला सकता है तो आप देख लीजिएगा कि आपका जो सिक्का है वो कॉपर निकल का है या कॉपर का है देखिए भाई बहनों होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ आपको दिखाएंगे कि एक रुपये वाले सिक्के है इसकी कीमत आपको सत्रह लाख रुपये मिल जाएगी अभी आपके खाते में मैं सत्रह लाख रुपए सेंड कर दूंगा लेकिन वो लोग लो ये नहीं बताते कि ये सिक्के क्यों रेयर है कितना कीमत इसकी हो सकती है और सही बायर का भी कॉन्टैक्ट नंबर वो लोग लो नहीं शेयर कर पाते इस वजह से आप में से बहुत से लोगों के नोट और सिक्के सेल नहीं हो पाए हैं अभी तक उसके बाद यहाँ पर मैं आपको माता वैष्णो देवी वाले सिक्के के बारे में बताता हूँ आगे मैं इसी जगह मैं आपको बता देता हूँ कि कॉल करने की टाइमिंग जो है वो दिन के सुबह आठ बजे से लेकर दिन के एक बजे तक ही आपको कॉल करने की टाइमिंग यहाँ पर दी गई है उस नंबर पे लेकिन इन केस यदि आपको उस नंबर पे कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो आगे आपको एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताई जाएगी जिसको कि आपको कंप्लीट कर लेना है यदि आप सेल करना चाहते हैं बहुत छोटी सी है आपको सिर्फ अपना नंबर सबमिट करना है और ध्यान रखिएगा कि जो नंबर मैंने दिया है उस नंबर से कॉल आएगा तभी आपको उसे कॉन्टैक्ट करना है नहीं तो बहुत सारे लोगों को इस तरह से कॉल आते हैं कि मैं इनके हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ तो मेरा कोई हेड ऑफिस नहीं यदि आपको इस तरह से कॉल आता है तो आप उस कॉल को डिसकनेक्ट कीजिए या तो किसी भी तरह की ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर मत कीजिएगा बात करते हैं कि घर बैठे कैसे ये सिक्के सेल होगा तो देखिए यहाँ पर जो आप फ़ोटो सेंड करेंगे बायर को उसके बाद आपको बताया जाएगा कि इतनी पैसे आपको मिल जाएगी तो आपको उसको बताना है अपना बैंक अकाउंट नंबर आई कोड और अपना नाम किसी भी तरह का कोई ओ वगैरह नहीं देना है आपको सिर्फ बैंक अकाउंट का नंबर ओ टी पी ओ टी पी सॉरी ओ टी पी नहीं आई एफ एस सी कोड और अपना नाम ये तीनों चीज किसी कॉपी पर लिखकर उसे सेंड करना है वो आपके खाते में पैसे सेंड करेगा आपको मैसेज आ जाएगा या तो आप बैंक में जाकर चेक करवा लीजिएगा कि आपके खाते में पैसे आए हैं या नहीं आए जब आपके खाते में पैसे आ जाएंगे तो बायर के द्वारा बताए गए एड्रेस पर आपको नोट और सिक्के पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सेंड कर देना है पोस्ट ऑफिस में रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से आप सेंड कर सकते हैं जिसकी खर्च जो है लगभग पचास रुपये के आसपास या साठ रुपये आपको पड़ेगी सेंड करने की तो इस तरह से आप घर बैठे इसको सेल कर सकते हैं तो प्रोसेस को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ